या नॉर्थ ईस्ट की घनघोर बारिश में भी पूरे ड्यूटी के साथ मुस्तैद रहते हैं। उन्हीं के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जय जवान, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक शब्द और जोड़ा जय जवान जय किसान। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और महत्वपूर्ण शब्द उसमें जोड़ा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जो चंद्रयान मंगलयान गगनयान की हम बात करते हैं, हमारा राष्ट्र परमाणु राष्ट्र है, ये सब उन्हीं की सोच का नतीजा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा धृष्टता करूँगा और एक शब्द और उसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है जय संविधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संविधान, क्योंकि संविधान में ही इन तीनों को जोड़ने की क्षमता है। वैसे मैं संविधान के इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर संविधान के दो प्रमुख पोषक तत्वों की मैं चर्चा जरूर करूंगा, वो है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, जिनकी बातें महात्मा गांधी भी करते थे, स्वामी विवेकानंद भी करते थे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए इस देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण को नवोदय भक्ति और नवोदय निर्माण के साथ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि नवोदय में जब तक हम पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाते, रच बस नहीं जाते, हम ही नवोदय नहीं हो जाते, तब तक नवोदय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि नवोदय विद्यालय एक पेज सेटिंग विद्यालय है, इसमें पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक दोनों ही साधारण नहीं असाधारण होते हैं, पूरे समाज की उम्मीदें भी इन्हीं पर टिकी होती हैं। अतः इस बीच में जहाँ जहाँ देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण शब्द आएगा, उसे आप नवोदय भक्ति और नवोदय निर्माण समझिएगा। कोई बात बुरा लगे तो इसे अन्यथा मत लीजिएगा, कोई बात बुरा लगे तो इसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि यह तो बस केवल कर्तव्यों को याद दिलाने और जगाने का प्रयास है। कोई तो चाहिए जगाने वाला, सो तो रहे हैं, बस दिक्कत एक चीज है कि जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता। लेकिन आप वैसा नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग चलनी चाहिए। तो हो जाइए तैयार, चलते हैं एक ऐसे सफर पर देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के। तो पूरे ध्यान से आप इन बातों को गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। आजादी के पूर्व देशभक्ति के बयाने कुछ और थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम या भारत माता की जय जोरों शोरों से नारा लगाना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रगान इतना संकीर्ण है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमाघर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर जो मन में भाव आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार समाज और देश के लिए जो समर्पण भाव आता है वो है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व जो कर्तव्य परायणता का भाव आता है वो है देशभक्ति। धन दुर्बलता को पछाड़ कर ईमानदारी का कार्य किया जाता है वो है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों के लहू से सिंचित किया जा चुका है, अब उसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक के नसों में उबलते खून की आवश्यकता है। उसे आवश्यकता है एक नए फौज की जो भले ही बलिदान न हो, लेकिन उसका एक एक फल, एक एक फूल, एक एक खून का कतरा देश की चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना और इसी संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति। ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना तेरी कब्र भी यही और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश
विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। दुष्यंत कुमार के लफ्जों में कहूँ तो ये वही किसान है जिसके खेतों में फसलों की जगह भूख उगती है, और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगती है तब तब उस किसान ने शहर में जाकर नौकरी कर ली है। ये बात चिंता की नहीं वरन चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है वो रास्ता शहर से गांव की ओर विकास के लिए क्यों नहीं आता। भले ही हम कहें जय जवान जय किसान, हमारे देश के अर्थव्यवस्था की शान हमारी ये किसान पर है वही सबसे ज्यादा परेशान। एक किसान के औकात ही क्या है, उसके लिए तो बस ये दुआ है बेचारा किस्मत के मारा कि जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना इस बार वक्त पर हे मेधा, किसी का मकान गिरवी है किसी का लगान बाकी है। वो किसान जिसके कंधों पर दुनिया की भूख मिटाने का भार है, जिसके रीढ़ की हड्डी पर अर्थव्यवस्था का प्रभार है, पर जिनको ना सत्कार है ना अधिकार है, बैंक उधार है, सूखे जमीन और मानसून के इंतजार है, कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बेचता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। आप सभी हमारे 90% बच्चे भी उन्हीं किसान के बेटे हैं, उनके दर्द और पीड़ा को महसूस कीजिए, उनके आँखों के आंसू की अंतिम उम्मीद और सपने आप ही से जुड़े हैं, उसे तोड़िएगा नहीं। जो दूसरा विशेष वर्ग है वो है युवा वर्ग। वो युवा जिसे पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियाँ, वो युवा जिसे तोड़ देनी थी वर्तमान की सारी कुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की, देश के मान और सम्मान की, आज वही युवा 6x6 इंच की स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों से घर्षण कराकर ऑनलाइन वीडियो को भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। भूख से दूर अपने फेस के लुक पर ध्यान देकर केवल फेसबुक में व्यस्त है, ठीक ठाक ही जिसके लिए ठीक ठाक है और यूट्यूब में डूब गया है, एवं उसके लिए मूल्य और ज्ञान का सूरज अब अस्त हो गया है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां शाम को मदर इंडिया देखने के बाद लोग रात को अपने ही पत्नी को पीटते हैं, जलील करते हैं, जहां अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर कॉलेज के बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं, जहां अश्लील तस्वीरें अपने मोबाइल पर रखकर अपनी ही पत्नी को 7 इंच घूंघट में छुपा कर रखते हैं, जहां अपनी माँ के हर काम को ना बोलकर उन्हें ना बोलने वाले के मुंह पर एसिड फेंककर कुत्सित मानसिकता से अपने अहम को संतुष्ट करते हैं। इसी कारण आज भी दुनिया के महिला सुरक्षा के मामले में हमारा देश अंतिम 10 देशों में से एक है। अतः आज समाज में महिला को आरक्षित नहीं संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वो कलम भी चला सकती है, कार चला सकती है वो सरकार भी चला सकती है, किचन ही नहीं जिसके पास विजन भी है उनको अब वो जमाना गया कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज नारी शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है मजदूर। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजबूत समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजबूत समझिए मजदूर नहीं, गरीबों को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली राष्ट्र धर्म है और सच्ची देशभक्ति। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा, जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए भरी भरी जेबों की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा महत्वपूर्ण वर्ग है शिक्षक। कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। चाणक्य जी भी कहते थे कि एक राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही शिक्षक के हाथ में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब शिक्षक वेतन के लिए नहीं अपितु बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाए, जब एक शिक्षक बनना मजबूरी ना समझा जाए। बात करें हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब हमें एक अच्छे इंजीनियर की आवश्यकता थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया, जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता थी तब हमने एम्स का गठन किया, और जब हमें सदियों से एक अच्छे राजनेता की जरूरत है तो हमने अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया।
जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, तो देश के प्राण और लोकतंत्र की सेहत हम एक अयोग्य के हाथों कैसे सौंप देते हैं। राजनीति से मुझे परहेज नहीं, राजनीति से मुझे परहेज नहीं वरन राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है। और हमारे राजनेता तो कुछ इस तरह हमारी समस्याओं का निदान करते हैं, पहले आँख फोड़ देते हैं फिर चश्मे दान करते हैं। और मुझे तकलीफ तो तब होती है जब हमारी भोली भाली जनता उनके कर्म और विचार देखकर नहीं बल्कि उनकी धर्म पार्टी और प्रचार देखकर वोट करती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब संसद में पक्ष और विपक्ष आपस में लड़कर नहीं बल्कि नीति को समझकर फैसले लिया करें। जब राजनीति को खेल और खेल में राजनीति ना देखा जाए ना समझी जाए। बात करें अगले विशेष वर्ग, लोकतंत्र की आत्मा कही जाने वाली मीडिया, अखबार और समाचार। हमारे लोकतंत्र को इन्हीं की आंखों से देखा जाना समझा और परखा जाता है। लेकिन अफसोस तो मुझे तब होता है जब एक विशेष मुद्दा सुबह चाय की चुस्की के साथ शुरू तो होता है लेकिन अगले ही दिन पूरा पुराना अखबार हो जाता है, जहां एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और एक चर्चित व्यक्ति की छींक भी हेडलाइन हो जाती है, जहां शाम को 6 बजे इस बात पर चर्चा हो रही होती है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मीडिया अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, जब किसी भी सरकारी नीति की वाहवाही या विरोध करने से पहले उनका आकलन और अवकुलन जनता को सिखाया जाएगा। हम एक ऐसे समाज को जी रहे हैं जहां हम ये समझ नहीं पाते कि हम गंगा को पूजित कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमारा राष्ट्र निर्माण एक ही बात कहता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे मुसलमान कहेंगे लेकिन तुम्हें भारतीय होने पर अडिग रहना है। हिंदू का यह कहना कि मुसलमान बुरा है, मुसलमान का ये कहना कि मुस्लिम हिंदू का ईमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, करे जो देश का अपमान वो हर इंसान बुरा है। याद रखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु किसी मजहब के लिए नहीं अपितु हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिए थे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी कर पाएगी, जब चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर्द बदन को ओढ़ाई जाएगी, जहाँ शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच में नजर आएगी। एक काम और किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक काम और किया जा सकता है, क्यों ना अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम को जोड़ने की पहल की जाए, जिससे अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल सके और बूढ़े माँ बाप को उनका उजड़ा घर द्वार मिल सके। मैं मानता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम के बीच की दूरी शून्य मानी जाएगी। भ्रष्टाचार और कालाधन हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जनाब, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खाती है। इस धन से सोने की चेन तो खरीद सकते हैं लेकिन चैन की नींद नहीं सो सकते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार की नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति हाथ बटाएगा। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब शौच के दौरान कुंडी बंद करना और शौच के बाद हाथ धोना ये भी हमें विज्ञापनों के माध्यम से समझाई जाती है। पेड़ काटकर बनने वाले कागजों पर वृक्ष बचाओ जैसी सुक्तियाँ लिखी जाती हैं, जहाँ प्याऊ घर में गिलास को चैन से बांधी जाती है और सरकारी नलों की तो टोटियाँ ही चुरा ली जाती हैं, तो इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि महात्मा गांधी और विवेकानंद के सपनों का भारत चोरी नहीं होगा। बात करूँ हमारे अनूठे विद्यालय नवोदय विद्यालय की, जिसके लिए हम प्रेयर करते हैं कि हम नव युग की नई भारतीय नई आरती, हम स्वराज्य की ऋचा नवल, भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हम ही नवोदय हो। जब बच्चा क्लासिक्स में आता है उसके मन मस्तिष्क में आधुनिक सुख सुविधाओं और तकनीक से लैस विद्यालय, आदर्श गुरुजन, मिलनसार पथ प्रदर्शक, सहपाठी, भाई बहन की छवि होती है। लेकिन जैसे ही विद्यालय के प्रांगण में कदम रखता है उसके सपने जो बड़े बड़े होते हैं, उसके माँ बाप की आकांक्षाएं जो बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ ही दिनों में छू मंतर हो जाता है, कापूर हो जाता है और वह संभावनाओं से भरपूर असाधारण बालक साधारण बनकर रह जाता है। केवल गिनती के कुछ छात्रों के दुर्व्यवहार, उनकी संदूषित जीवन शैली, संकीर्ण मानसिकता और गंदी सोच पूरा सिस्टम को प्रदूषित कैसे कर देता है। वे इस पवित्र मंदिर में आकर स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और इस प्रदूषण से जो बच जाते हैं वही यहाँ इतिहास रच जाते हैं, वही वो इतिहास रच जाते हैं। मुझे दुख होता है जब छात्र का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा भोजन पर होता है, जिन्हें पाठ्यक्रम से ज्यादा उत्सव के क्रम पर होता है। कोई गोल नहीं, जीवन ही गोल मटोल है, चिंतन मनन से ज्यादा मनोरंजन पर फोकस करते हैं। पल पल समय का अपहरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं आप सबको ही संबोधित कर रहा हूँ। पल पल समय का अपहरण हो रहा है, नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। मंच पर आए कोई जोश नहीं, होश नहीं,
क्योंकि वाड़ी में मधुरता नहीं, शब्दकोश नहीं। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। सोचिए आप कैसा व्यक्तित्व गढ़ रहे हैं, बुद्धिमान की जगह बुद्धू बन रहे हैं। अधिकार पता है पर कर्तव्य शून्य है, अधिकार पता है पर कर्तव्य शून्य है। याद रखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है नवोदय। 7 साल तपोगे कुंदन की तरह चमकोगे, 7 साल भोजन और मनोरंजन, जीवन के 70 साल तपोगे। चॉइस आपका है। नवोदय में आप हमको मिलकर काम करना है और आसमां से ऊंचा नवोदय का नाम करना है, नवोदय का नाम करना है। तो तैयार हैं आप? बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करने की जरूरत है, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो या नवोदय निर्माण हो, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थर से लगती है। विचार कीजिए, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर। चलो करें राष्ट्र निर्माण, नवोदय निर्माण, इसे देशभक्ति से सींच कर। कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर, कुछ नहीं होगा मेरा मन से यहाँ चीख कर। चलो करें राष्ट्र निर्माण, दूसरों से सीख कर, शहीदों से सीख कर, महापुरुषों की जिंदगी से सीख कर। और अंत में मैं इस सकारात्मक सोच और उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि मेरे नए भारत में, मेरे समर्थ भारत में, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे भारत में, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, बढ़ते नवोदय गढ़ते नवोदय में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मेरे बाड़ी पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको